ऑल टुगेदर $335-$340 के करीब लग गए। अभी कोई प्रोग्राम आएगा पीआर का तो उसमें हम रेडी होंगे, एटलीस्ट एक स्टेप डन हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हील्स एंड फोक्स यूट्यूब चैनल। तो आज दोबारा दिन आई है जहाँ हम कहाँ जा रहे हैं, मेरा मेडिकल करवाने फाइनली दोबारा से। या अगर आपने आज हो जाए, आज हमारा 2:30 टाइम है और ऑलरेडी हम 1:30 लाइक 1:15 घर से निकल गए हैं ताकि आज लेट नहीं हो रहा बिल्कुल भी। हाँ, और साथ में ऐसा सिस्टम है कि पिछला ब्लॉग अगर आपने नहीं चेक किया जाता उन्होंने का मेडिकल डिले हो गया था ड्यू टू सम रीजंस, तो हमने किसी और क्लिनिक में अब दोबारा से बुक करवाया क्योंकि उस क्लिनिक में हमें आगे की डेट्स मिल रही थी काफी। तो अब हमने कहा कि चलते हैं, आज -40 degrees है तो वरना आपको रास्ते में स्नो दिखाएगी कि क्या सीन है। तो वरना चले फिर आज, या लेट्स गो, चलो चलते हैं, आपको मैं स्नो दिखाता हूँ रास्ते में, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। मेडिकल करवाने के लिए 8 दिसंबर से ट्राई कर रहे हैं। फर्स्ट अपॉइंटमेंट मिली थी 8 दिसंबर की एक क्लिनिक में, तो वहाँ पे उस दिन आपको बताया था क्या चक्कर पड़ गया कि सर्जरी थी डॉक्टर की तो हमारी अपॉइंटमेंट हो नहीं पाई। पर उसके बाद फिर उसी क्लिनिक में मिली थी 24th की, तो मैंने सोचा चलो अच्छा है कि छुट्टियाँ भी हैं क्रिसमस की, 24th को हो जाएगा अच्छे से। तो उस दिन मैंने उनको कॉल की पूछने के लिए कि अपॉइंटमेंट कंफर्म ठीक है हमारी, तो 24th को सोचा कि चलो छुट्टियाँ भी है सब कुछ ठीक से हो जाएगा, बट नहीं हो पाया। अगेन मैंने कॉल की उनको कंफर्म करने के लिए कि हाँ हम आ रहे हैं तो कंफर्म कर लें, बट फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमारे कोई कोविड टेस्ट निकला है और उसी दिन उनको मतलब उन्होंने कहा था हाँ कोई कोविड पॉजिटिव निकला है वहाँ पे। तो उन्होंने फिर बोला कि आज अभी आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी पड़ेगी क्योंकि वो सारे आइसोलेशन में थे। तो फिर सोचा कि यहाँ पे तो अब नहीं हो पाएगा तो और क्लिनिक ढूंढा अभी एक, तो अभी उसमें लिया है आज की अपॉइंटमेंट। आज डेट है जनवरी, अगला साल आ गया, याद भी नहीं रहता। ये दिसंबर में ही अभी क्या बढ़िया था गुरु। अभी मैं दिसंबर में बैठी हूँ, जनवरी 5 हो गई आज, तो चलो आज चलते हैं। ऐसा सीन था कि हमारी अपॉइंटमेंट थी 2:30 पर उन्होंने हमको बोला हमने कि क्या हम जल्दी आ सकते हैं क्योंकि हम जल्दी फ्री हो जाएंगे राइट। क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि इमिग्रेशन के जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें एक्सरे भी होता है और ब्लड टेस्ट भी होता है, और ये सारी चीजें यूजुअली एक ही क्लिनिक में होती हैं, बट जहाँ हमें अपॉइंटमेंट मिली है मुझे पता लगा कि जो ब्लड टेस्ट वाली जगह वो भी हमें अलग जाना पड़ेगा और एक्सरे वाली जगह वो भी अलग जाना पड़ेगा। जहाँ से मैं करवा के आया था वहाँ वो तीनों एक ही जगह थी, तो मैं 1 घंटे में बाहर था, बट आज हमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, बट देखते हैं कैसे जाता है सब। अभी बस निकलने लगे हैं, टाइम पे हम पहुंच जाएंगे वहां पे और जितनी जल्दी वेले होते हैं और उसके बाद हम जाएंगे कहीं पे। क्या जाएंगे? खाने? ठीक है, तो हम कुछ खाने पीने जाएंगे एंड देन वो भी आपको दिखा देंगे। तो चलो चलते हैं फिर, लेट्स सी। तो पहुंच गए हम क्लिनिक, वो पीछे देख सकते हो वो क्लिनिक है। तमन्ना भी अंदर गई है, मैंने कहा मैं पार्क करके आता हूँ और देन हम चलते हैं। मैंने ले लिया सब कुछ, ये रहा मेरा गोप्रो भी ले आता हूँ जस्ट इन केस, यू नो अंदर इतना बड़ा फोन निकाल के तो शूट होगा नहीं राइट। तो अगर कुछ शूट करना पड़ा अलाउड तो होगा नहीं, अगर नहीं मतलब अलाउड हुआ अभी तो मैं गोप्रो से कर लूंगा। तो चलते हैं अभी अंदर, देखते हैं क्या सिस्टम होने वाला है और जितनी जल्दी हो सके उतना बेटर है क्योंकि पूरा दिन लग जाएगा अदरवाइज अगर लेट हो गया रश हुआ तो। लेट्स गो। बर्फ जैसे आप देख सकते हो कितनी ज्यादा पड़ी है, -40 का टेम्परेचर है आज, मतलब टू मच, सीन खराब है, बट चलो जो है सो है। अब गाड़ी से निकलना, गाड़ी से मतलब 1 मिनट लगता है निकलने में, फिर मैं बड़ी जैकेट इसलिए नहीं डालता बट अदरवाइज तो जरूरी है। तो मेडिकल का सीन डन हो गया हुआ है, वो सारी चीजें हम आपको गाड़ी में जाके बताएंगे क्योंकि यहाँ रश बहुत ज्यादा है। और हम मॉल में आए थे क्योंकि यहीं पे हमें वो था क्या बोलते हैं, हमारा ब्लड टेस्ट जो होना था वो मॉल में होना था, लेकिन मॉल में उसकी एक लैबोरेटरी बनी हुई है। हाँ, लैबोरेटरी यहाँ पे थी तो हम यहाँ पे आए थे। अब हम थोड़ा घूम रहे हैं मॉल में, इस मॉल में हम आज तक कभी नहीं आए है ना। यार देखो कितना सुंदर है, वही बहुत सुंदर मॉल है क्योंकि ये साउथ एंड वाली साइड पे आ जाता है, हम नॉर्थ वाली साइड रहते हैं तो मतलब 20-25 किलोमीटर दूर है, बट हम कभी आए नहीं। बट बहाने से ये भी देख लिया, अब आगे पीछे मॉल घूमते हैं फिर कुछ खाने पीने चलेंगे। आपने गैस कर ही लिया होगा हम क्या खाने वाले होंगे आज भी, तो मैं क्या खाने लगे हम डोसा मैं चिकन बिरयानी सोच रहा हूँ तो मैं डोसा सोच रही है, बट लेट्स सी व्हाट वी ईट, बट स्टिल घूमते हैं पहले अंदर देखते हैं।
तब मेडिकल फाइनली डन हो गया हुआ है और रिजल्ट आ जाएंगे 10 दिन तक हमारे और वो सीधा इमिग्रेशन सर्विसेज को ही चले जाते हैं। पहले हमें बहुत लाइक 2 घंटे वेट करना पड़ा अपनी टर्न के लिए, हालांकि हमारी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुक थी, स्टिल 2 घंटे का वेट करना पड़ा हमें। फिर बस काम तो अंदर 5 मिनट का था, 5 मिनट में डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया और उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट्स दे दिए, जिसमें एक तो लेबोरेटरी का उन्होंने रेफरेंस दिया था कि लैब में जाके अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लाओ, और दूसरा उन्होंने एक्सरे का शीट दिया था कि एक्सरे वाले के पास जाके एक्सरे करवा लाओ। तो पहले हमने एक्सरे वालों को कॉल किया, उधर पता किया कि वेट टाइम नहीं था तो एक्सरे में गए और उधर लगे सिर्फ 2 ही मिनट। वहाँ से डन होके हम गए अपनी लैब में, तो वहाँ पे हमने ब्लड टेस्ट दिया, उसमें 10 मिनट वेट करना पड़ा और उसके बाद सिर्फ 5 मिनट में वो डन हो गया। तो ऑल टुगेदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, अभी शाम के 6 बज गए हुए हैं। मैंने 2 बजे स्टार्ट किया था सारा प्रोसीजर, 1:30 बजे किया था, 1:30 बजे घर से निकले थे हम, 6 बज गए हुए हैं ऑलरेडी। सो इट्स अ हैटिक टास्क टू डू। अभी कोई प्रोग्राम आएगा पीआर का तो उसमें हम रेडी होंगे, एटलीस्ट एक स्टेप डन हो गया। यही सीन है कि अब हम वहाँ से उसके बाद क्या किया हमने, हम थोड़ा सा मॉल के बीच में ही था, वो मॉल देख रहे थे आसपास, अब जाएंगे कुछ खाने पीने यहाँ से। 10 मिनट की ड्राइव पे डोसा की एक बहुत अच्छी शॉप है, साउदर्न स्पाइसेस सुना है बट देखते हैं कैसी रहती है। तो मेडिकल का काम होता है डन, मेरी छुट्टी थी, तमन्ना ने हाफ डे लिया था। अब चार्जेस की बात करें यार, तो पता है कितने डॉलर्स लगे हमें, जैसे मैं जहाँ पे करवा के आया था वहाँ ऐसा सीन था, आपको जैसे एक ही जगह में एक्सरे भी होगा, ब्लड वर्क भी होगा और डॉक्टर चेक भी करेगा, तो मेरे $340 के करीब भी लगे थे, इनके भी उतने लगे, $200 इनके डॉक्टर ने लिए चेकअप के लिए, $70 इनके ब्लड वर्क वाली जगह पे लगे और $65 इनके एक्सरे की जगह लगे। तो मतलब ऑल टुगेदर $335-$340 के करीब लग गए। तो इतना ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप पीआर का मेडिकल करवाते हो, बाकी सिटीज के डिपेंड करता है, लाइक अगर टोरंटो में वो अलग सिस्टम होगा और कहीं और जगह पे तो वो अलग सिस्टम होगा, बट हमारे मतलब विनीपैक में ऑलमोस्ट इतने तक की रेट है, $335-$350 के बीच में मेडिकल डन हो जाएगा। तो अब वही बस मेडिकल डन करवा के अब हम चलते हैं कुछ खाने और आपको भी साथ में लेके चलते हैं। चलो फिर चलते हैं जल्दी, लेट्स गो। ये क्या डोसा? कौन सा? ये पता नहीं कौन सा देखे गया, मसाला डोसा। और क्या क्या मंगाया था मैंने? एक पनीर मसाला डोसा और एक इडली वड़ा प्लेटर। तो अब डोसा खा के हो गया हम फ्री। डोसा बहुत टेस्टी था, सदर्न स्पाइसेस नाम है रेस्टोरेंट का, क्योंकि यहाँ पे क्रंची डोसा मिला है हमें, तो अच्छा लगा। अक्षित आपको भी? हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। इतना फीका रिएक्शन। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बाहर -40 है और बर्फ पूरी बड़ी पड़ी है, तो मेरे को ध्यान से थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, बट डोसा रियली बहुत अच्छा था। हाँ, हमने क्या क्या ऑर्डर किया था वो तो बताओ। हमने 2 डोसा लिए थे, एक तो पनीर बटर मसाला डोसा था और दूसरा था मसाला डोसा जिसमें आलू मसाला था, तो दोनों ही बहुत टेस्टी थे, और साथ में एक बड़ा इडली प्लेटर भी लिया था। सारा कुछ बहुत टेस्टी लगा और साथ में एंड पे हमने पायसम भी लिया, जो कि था। हाँ, उसका आफ्टर टेस्ट इतना अच्छा नहीं था पायसम का, आई थिंक थोड़ा पहले का बना हुआ था, ठंडा था। तो ओवरऑल रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था, थोड़ी सी लाइक अगर कस्टमर सर्विस या फिर कह सकते हैं हम, कस्टमर सर्विस भी अच्छी थी यार, अच्छा सब कुछ ही ठीक था मेरे हिसाब से, लाइक मीडियोकर सा रेस्टोरेंट था, लाइक कुछ हाई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, प्राइसेस भी ठीक थे, देसी रेस्टोरेंट टाइप था। अब हमने सोचा कि रात के लिए खाना भी लेके जाते हैं, क्योंकि खाना अब कौन जाके बनाएगा, 7 बज गए हैं, तो मैंने सोचा कि अब हम यहाँ से लेके जाएंगे खाना। और खाना हमने कहाँ से ऑर्डर किया बताओ? पंजाबी फूड कॉर्नर रेस्टोरेंट का नाम है, हमने पहले इनका पंजाब फूड कॉर्नर, तो यहाँ पे पहले हमने नूडल बर्गर खाया था जो कि बहुत मस्त लगा था मेरे को, तो समोसा खाया था और चाट खाई, रसमलाई खाई, लाइक ये सब चीजें हमने इनके स्टार्टर्स ऑलरेडी ट्राई किए हुए थे जो कि सारे बहुत अच्छे थे। तो आज पहली बार इनका पूरा फुल कोर्स ट्राई कर रहे हैं, दाल मखनी और रोटियां ऑर्डर की हमने, तो लेट्स सी वो कैसी होती हैं, कल पता लगेगा, कल खाएंगे वो, कल के लिए ले रहे हैं, आज रात का तो डन हो गया। दिखाओ रेस्टोरेंट को। चलो, तो ये रेस्टोरेंट बेसिकली टेक आउट ही है सिर्फ, यहाँ पे हम ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन और साथ में पिकअप कर लेते हैं। ऑर्डर तो 7:30 तैयार होना है, राइट? 7:30 रेडी होना, बट मैं जाके फिर पूछ के आता हूँ कि क्या सीन है, अगर रेडी हो गया हुआ तो अच्छी बात है, क्योंकि अपना टाइम बचेगा, हमारे यहाँ से कितना 15-20 मिनट का रास्ता घर का भी है। तो अब हमने क्या किया था, हमने वहाँ से फूड पकड़ा और अब हम घर आ गए। क्यों तो मना?
क्योंकि खाना खाना था। एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ खाना खाने के अलावा मैं कुछ नहीं आता। हाँ, तमन्ना ने फिर फ्रेश वगैरह भी होगी, मैं अभी तक फ्रेश नहीं हूँ क्योंकि 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 मैं खेल रहा था किसके साथ, दिखाता हूँ आप। एंड शी इज अवर फ्रेंड एंड ही इज अवर रूममेट, अक्षित का बेटा। हाँ, ये अब हमारे साथ रहता है क्योंकि मैंने, जिसको नहीं पता कि ये सब हमने आलमंड को अडॉप्ट कर लिया है ना चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी। तो ये है हमारा गोल्डन रिट्रीवर एंड पूडल गोल्डन डूडल। ठीक है, तो अब हम आपको मिलाते हैं आलमंड से। ठीक है, आलमंड से हाय, अमन से हाय। आलमंड की ट्रिक्स हम आपको किसी दिन फिर दिखाएंगे, बट ये गोल्डन डूडल गोल्डन रिट्रीवर प्लस पूडल, मेरे पास पहले भी गोल्डन रिट्रीवर था तो मेरे को गोल्डन रिट्रीवर की नेचर काफी अच्छी लगती है, तो ये भी मुझे मतलब काफी ज्यादा काम लग रहा है सो फार। हाँ, कभी कभी मस्ती करता है ऑब्वियसली डॉग है, बट स्टिल ये है हमारा आलमंड। हमने कहा इसको इंट्रोडक्शन करवाएं, बट इसकी पूरी वीडियो मेरे चैनल पे आएगी ट्रू इंडियन अक्षित पे, जब हम इसको लेने गए थे, मैं और खुश भी लेने गए थे तब भी। ये देखो बस, अब इसको सोने का टाइम है, अब ये सोएगा, तो हम करते हैं यहीं पे व्लॉग एंड, इसको पकड़ाते हैं खुशबू, टेक केयर, तब तक हम एंड करते हैं, क्योंकि अब ऐसा सीन है तमन्ना डरती है डॉग्स से थोड़ा थोड़ा, तो तमन्ना का भी डर हम निकाल रहे हैं, बहुत अच्छा तमन्ना करने लग गई है, लाइक अब नहीं खास डरती। क्यों तमन्ना, क्या बोलना चाहोगे आप? इससे डर नहीं लगता है, ये बहुत काम है, बिल्कुल भी डराया नहीं अभी तक इसने मेरे को, बट ऐसे अचानक से जब पैरों के पास आ जाता तो एकदम से डर जाती हूँ मैं। हाँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा टच भी करने लगी, तो भाई अब तो तमन्ना टच भी करने लग गई है। तो बस यही था आज का व्लॉग, हमने आपको दिखा दिया हमारी नया मेंबर हमारे फ्रेंड्स के साथ, अब आलमंड भी साथ में रह रहा है। तो यही था आज की वीडियो के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट और सब्सक्राइब याद कर लिए मैंने। हाँ, याद कर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस एंड हैव अ गुड नाइट। हाँ, और पीछे का गंद थोड़ा अवॉइड करना क्योंकि आलमंड के चक्कर में हमने सारा उथल पुथल भूल गए, अभी सिर्फ आलमंड याद है, अभी आलमंड याद है, वो देखो वहाँ पे भी सारी चीजें ऐसी पड़ी हुई है, तो वो हम सारा आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही पड़ी हुई है मेरी तरफ आती नहीं नहीं ये चीजें ऐसे ही पड़ी हुई है। ओके गाइज, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।